हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जेएसएससी के द्वारा जो न्यू वैकेंसी अभी आया है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो है इसका जो सिलेबस रहेगा दोस्तों, सेम टू सेम उत्पाद सिपाही का सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत से शुरू करते हैं, आगे हम लोग सिलेबस का भी डिस्कशन करेंगे। देखिए, इस पोस्ट का नाम है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है JFWCE 2024। ठीक है, इसमें आपका जो परीक्षा शुल्क रहेगा दोस्तों वो 100 रुपये रहेगा। ठीक है, जिसमें से कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए मात्र 50 रुपये इसका फीस होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसमें कितना जो सीट है इसमें आवंटित किया गया है। तो इसमें टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है, वो है 510। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना है तो 510 है, यानी कि उत्पाद सिपाही का वैकेंसी में भी लगभग 500 के करीब ही जो वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें भी 510 सीटें जो है वो आवंटित किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं कि और इसमें साथ ही साथ जो आदिम जनजाति है ना, इनको भी छूट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसे इसका जो पे स्केल है दोस्तों वो है 18,000 से लेकर के 56,900 तक, यानी कि इसका जो ग्रेड पे है वो अच्छा ही है। अब हम लोग इसका सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए देखिए नीचे हम लोग जाते हैं तो इसका सिलेबस वगैरह के बारे में बताया गया। सबसे पहले हम लोग उम्र सीमा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसका जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह है 18 साल। ठीक है, और जो इसका अधिकतम जो उम्र सीमा है वो आपके कास्ट वाइज डिपेंड करेगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पास जनरल के लिए 35 वर्ष हो गया, ओबीसी वन और ओबीसी टू के लिए हो गया 37 वर्ष, और साथ ही साथ महिलाओं के लिए यहाँ पास जो ओबीसी से रिलेटेड है वो 38 वर्ष, और एससी और एसटी चाहे आप महिला हैं या पुरुष 40 साल तक आपका प्रावधान है इसमें। ठीक है, और इसमें एज लिमिट जो किया गया है, मतलब जो इसमें उम्र का गणना जो किया जाएगा वो किया जाएगा 1/8/2024 तक, यानी कि आपका न्यूनतम उम्र सीमा 1/8/2024 तक 18 साल हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ 1/8/2024 से पहले जो है आपका इतना जो उम्र है जो कैटेगरी वाइज दिया गया है उतना कम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब आप फॉर्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो याद रखिएगा 1/8/2024 इसमें उम्र का कट ऑफ डेट है। चलिए अब देखिए, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्पाद सिपाही का जो पेपर वन था, ठीक है, तो उसमें क्या था, क्वालिफाइंग इन नेचर का है, सिर्फ उसको पास होना है। तो इसमें भी सेम टू सेम जो उत्पाद सिपाही का पेपर वन है उसी के जैसा इसमें भी पेपर वन रहेगा, यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर का वो भी रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि जो इसमें फॉर्म सबमिट करने का जो डेट है दोस्तों, ठीक है, वो भी जारी किया गया है। हालांकि यहाँ पास देखिए फॉर्म में जो कोई त्रुटि आ जाएगा उसको बदलने का डेट है 6/9/2024 से लेकर के 8/9/2024। ठीक है, तो हम लोग आवेदन इसमें कब से कर सकते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसका जो आवेदन समर्पित करने का जो इसमें डेट है, ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो आवेदन अप्लाई करने का जो महत्वपूर्ण डेट है, याद रखिएगा आप 1/8/2024 से लेकर के 31/8/2024 तक, यानी कि आप सभी को 30 दिनों का जो है टाइम इसमें दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग, जितने लोग जिनका उम्र 18 वर्ष और कटअप के अनुसार जो आखिरी उम्र है, आप सभी लोग इसको अप्लाई अवश्य करें। ठीक है, और परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो तिथि है वो 2/9 तक है। ठीक है, 2 तारीख 9 महीना तक है, यानी कि सितंबर तक है इसमें। ठीक है, और बाकी आपका कोई त्रुटि हो जाएगा अप्लीकेशन भरते समय तो 6/9 से लेकर के 8/9 के बीच आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म एडिट का वो डेट दिया गया है। अब देखिए, इसमें जो परीक्षा का स्वरूप बताया गया है वो बताया गया है या तो OMR सीट पर होगा या तो कंप्यूटर बेस्ड। ठीक है, लेकिन अभी इसमें क्लियर नहीं बताया गया है कि CBT मोड में होगा या OMR मोड में होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसमें परीक्षा के विवरण के बारे में जान लेते हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहला इसमें मेन थिंग है कि इसमें अगर आपका एक प्रश्न सही होगा तो उसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, और साथ ही साथ एक गलत के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, तो इसमें 3 परीक्षा लिया जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का। ठीक है, तो पेपर 1 के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि पेपर 1 में जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें उसका सिलेबस जो रहेगा वो क्या रहेगा। देखिए, पेपर 1 में कुल प्रश्नों की संख्या 120 रहेगा। ठीक है, परीक्षा का जो अवधि रहेगा 2 घंटा का रहेगा, जिसमें से इसमें भाग 1 जो है, जिसमें क जो पार्ट रहेगा वो हिंदी भाषा ज्ञान का 80 प्रश्न रहेगा, और साथ ही साथ जो अंग्रेजी भाषा ज्ञान का प्रश्न रहेगा वो 40 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का है। यदि इसमें
कुल प्रश्नों की संख्या यदि 120 है तो इसमें जो है हम लोगों को मात्र 30% अंक जो है ना वो प्राप्त करने होंगे, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसमें 30% जो है 30% प्रश्न जो है सही करना अति आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि पत्र दो, जो क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा वाला जो पत्र दो रहेगा उसमें दोस्तों इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संस्थाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंच परगनिया और उड़िया भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो चूँकि ये मैट्रिक लेवल का दोनों पुस्तक यानी कि क्षितिज भाग दो, कृतिका भाग दो, हिंदी में यही सिलेबस रहता है, जैसा कि उत्पाद सिपाही का भी सेम सिलेबस है, तो ज़्यादातर लोग हिंदी इसमें चूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें हिंदी संबंधित 100 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न के लिए जो है दोस्तों 3 नंबर दिया जाएगा और उसमें से अगर निगेटिव होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, ये इसका जो नंबर रहेगा आपके मेरिट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए अब पेपर जो 3 रहेगा, पेपर 3 एकदम जो सेम टू सेम उत्पाद सिपाही का जो सिलेबस है पेपर 3 का, उससे ही एकदम मैच करता है। जैसे कि सामान्य ज्ञान का प्रश्न इसमें भी 40 प्रश्न रहेंगे, झारखंड संबंधी जो झारखंड जीके रहेगा इसमें 50 रहेंगे, सामान्य जो गणित रहेंगे इसमें 10 रहेंगे जैसा कि उत्पाद सिपाही में भी है, और सामान्य विज्ञान जो रहेंगे वो लगभग 20 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल JSSC परीक्षा पर अभी जल्द ही कुछ दिनों पहले सामान्य गणित का पोर्शन को लाइव कर दिया गया है और इतिहास के सेक्शन को हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो कृतिका भाग दो पुस्तक है और क्षितिज भाग दो पुस्तक है हम लोग दोनों उसको बहुत पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जब हम लोग रिवीजन एक्सप्रेस में फिर से क्लास को आरंभ करेंगे तो इसको अच्छे ढंग से शॉर्ट नोट के द्वारा समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था इसका दोस्तों क्या बोलते हैं सिलेबस। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है इसको फटाफटा से जो है अप्लाई कर दीजिएगा, 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक इसका डेट है और सिलेबस सेम टू सेम उत्पाद सिपाही का है, यानी कि उत्पाद सिपाही की तैयारी यदि आप पहले से कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा आपको प्रयास करना नहीं पड़ेगा क्योंकि सिलेबस जो है वो हूबहू है उसी का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग रात्रि के 10:30 बजे का लाइव सेशन मैथ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, और ये इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों वो सभी लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग रात्रि के लाइव सेशन में जो कि मैथ का वीडियो रहेगा, तब तक के लिए धन्यवाद।